गौरीपुर अभयपुरी नई लाइन 2 साल से अधिक समय से चालू होने के बावजूद इस मार्ग पर यात्री ट्रेन सेवाओं की कमी ने स्थानीय लोगों को निराशा और अलगाव की स्थिति में छोड़ दिया है। 85 किलोमीटर लंबी गौरीपुर अभयपुरी नई लाइन का उद्घाटन अप्रैल 2021 में बहुत प्रत्याशा और आशा के साथ किया गया था। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक परिवहन मार्ग उपलब्ध होने की उम्मीद थी। हालांकि हमें निराशा हुई कि पिछले 2 वर्षों में इस लाइन पर कोई यात्री ट्रेन सेवा शुरू नहीं हुई है। यात्री ट्रेन सेवाओं की अनुपस्थिति ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर काफी कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। स्थानीय लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समय लेने वाली और लंबी दूरी की महंगी कार यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। इससे न केवल उन पर अत्यधिक यात्रा व्यय का बोझ पड़ता है, बल्कि कुशलतापूर्वक और विश्वसनीय रूप से यात्रा करने की उनकी क्षमता भी बाधित होती है। इस तरह के आशाजनक परिवहन बुनियादी ढांचे को उस उद्देश्य की पूर्ति के बिना निष्क्रिय पड़ा हुआ देखना निराशाजनक है, जिसके लिए इसका उद्देश्य था। हम क्षेत्र के निवासी रेलवे अधिकारियों से इस मुद्दे को शीघ्रता से हल करने का आग्रह करते हैं। गौरीपुर अभयपुरी नई लाइन पर यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने से न केवल स्थानीय लोगों को होने वाली असुविधाएं कम होंगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगी, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगी और निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इसके अलावा हम बिलासीपारा से धुबरी तक 15604 लेडो गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस के विस्तार का प्रस्ताव करना चाहेंगे। इस विस्तार से धुबरी और गुवाहाटी के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा, जिससे स्थानीय आबादी को काफी लाभ होगा। वर्तमान में इन 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधी ट्रेन सेवा की कमी से निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सीधे लिंक की स्थापना से न केवल यात्रियों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास और प्रगति में भी योगदान मिलेगा। हम रेलवे अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे निवासियों के तत्काल अनुरोधों को ध्यान में रखें और गौरीपुर अभयपुरी नए मार्ग पर यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। इसके अलावा 15604 लेडो गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस को बिलासीपारा से धुबरी तक विस्तारित करने से स्थानीय लोगों की परिवहन समस्याओं में काफी सुधार होगा। हमें विश्वास है कि संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को संभालने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कदम उठाएंगे और जनता की लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छाओं को पूरा करेंगे। हम उत्सुकता से अनुकूल परिवर्तनों की आशा करते हैं, जो धुबरी और बोंगाईगांव के लोगों के लिए विश्वसनीय पारगमन विकल्प प्रदान करेंगे।